हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मनी मंत्रा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं दीपक रोहिला आप सबको वेलकम करता हूँ। रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसकी वजह से मार्केट काफ़ी डाउन गई। वहाँ पे कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिली होगी, क्योंकि कुछ लोग बोलते थे ना, अगर दीपक नाइट्रेट 2000 रुपये आएगा तो मैं बाय करूंगा। ऐसा बोलने वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई, बट क्या ऐसे लोग खरीद पाएंगे वापस से 2000 रुपये पे? क्योंकि 3000 रुपये का शेयर 2000 का मिल रहा है, क्या ऐसे लोग खरीद पाते हैं? इसका कमेंट करना प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कि क्या ऐसे लोग खरीद पाते हैं? मार्केट थोड़ी सी और गिर जाए। देखो, 2% से लेके 5% तक करेक्शन आती रहती है मार्केट में साल में 1 से 2 बार, बट ये 3 से 4 साल में आता है जब मार्केट ना 10-15% की करेक्शन देती है। जैसे 2020 में आया था, ये मार्केट ने बहुत बढ़िया करेक्शन दिया। जिसने हिम्मत दिखाई, स्टॉक बाय किए, म्यूचुअल फंड बाय किए, उसका पैसा मल्टीफोल्ड ग्रो किया। अभी वैसी अपॉर्चुनिटी अभी बन रही है रशिया की वजह से। रशिया को थैंक यू जरूर बोलना चाहिए जो अभी बाय करना चाहते हैं या चाह रहे हैं। जो चाह रहे हैं कि मुझे दीपक नाइट्रेट बाय करना है, जो चाह रहे हैं मुझे TCS बाय करना है, जो चाह रहे हैं मुझे एस्ट्रल पोली बाय करना है, पोली कैप बाय करना है, ये जो टॉप क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनको बाय करने वाले जो लोग हैं, जो सोचते हैं कि मेरे को नीचे मिलेगा तो मैं बाय करूँगा, तो वो अपॉर्चुनिटी आ गई दोस्तों। बट जो आज शेयर हम डिस्कस करेंगे ना, उनको एक बार में नहीं खरीदना है, एटलीस्ट 3 बार में खरीदना है। कुछ शेयर अभी बाय करना है आने वाले वीक में, 1/3 क्वांटिटी। उम्मीद है कि जो आज की बमबारी हुई है उसकी वजह से भी शायद मंडे को मार्केट डाउन जाएगी। डाउन जाएगी तो 1/3 क्वांटिटी मंडे या ट्यूसडे में खरीदना, और दूसरी 2/3 खरीदना है 10 मार्च के बाद, 10 मार्च को या 11 मार्च को, क्योंकि यूपी का इलेक्शन आने वाला है ना, यूपी के इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 10 तारीख को। तो सर, हम ऐसी ही बातें करने वाले हैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। फिर से मैं ऐसे 7 मल्टीबैगर स्टॉक्स जो हमेशा से ही साल दर साल से बेहतरीन रिटर्न देते आए हैं, उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे हम। पहला स्टॉक है सर एस्ट्रल। एस्ट्रल पॉली पाइपिंग डिवीजन के अंदर से है ना, उसका 77% रेवेन्यू आता है। ये एडेसिव में भी आ रहा है, पिछले 1 साल से 1.5 साल से एडेसिव के बिजनेस में भी आया है। इसके वीडियो भी आपको, एडवर्टाइजिंग भी आपको टीवी पे मिल जाएंगी, आने लगी हैं अब। इस स्टॉक का जो हाई था ना, 2500 हाई था इसका, और अभी प्रेजेंटली चल रहा है 1900 रुपये। 1900 रुपये भी जो 25 तारीख को 7% अप चला गया उसकी वजह से, नहीं तो ये स्टॉक आपको 1780 के आसपास मिल जाता। मैंने पहले भी जो लास्ट वीडियो बनाया था उस वीडियो में भी बोला था मैंने, एस्ट्रल पॉली तो आपको ले लेना चाहिए। स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो करीबन 38,000 करोड़ का है, और स्टॉक की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो करीबन 30% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी है करीबन 24%। स्टॉक के देखेंगे ना आप, ये 1 साल के 3 साल के 5 साल के रिटर्न, अब ये 3 साल और 5 साल के रिटर्न देखिए, जिन्होंने 3 साल और 5 साल पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ा होगा इस कंपनी में, उसको बेहतरीन रिटर्न मिले हैं। तो सर, ये मल्टी बैगर स्टॉक है, आपको मल्टी बैगर रिटर्न साल दर साल बना के देता रहेगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर एंट्री लेने की। ये स्टॉक अपने हाई से 600 रुपये नीचे मिल रहा है। इस स्टॉक का चार्ट मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, उस दिन भी मैंने यही चीज़ डिस्कस की थी। उस दिन हम इस वाली कैंडल पे बैठे थे कि यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, अप गया, फिर एक बार न्यूज़ आई उसकी वजह से डाउन गया, बट ये यहाँ पे एक बेस बना रहा है 1760 रुपये के आसपास। इसको ब्रेक करता है तो फिर अपने को 1550 रुपये वहाँ पे भी तैयारी कर रखनी चाहिए, 1550 रुपये पे आए तो भी बाय कर लेना, स्टॉक इतना अच्छा है। साल दर साल आपको ये पैसा बना के देने वाला है। आप अपनी डायरी में अपने पेन से नोट कर लीजिए सर, एस्ट्रल पोली
बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने इसके 100 स्टॉक खरीदने हैं तो अभी खरीदना 1/3। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट मार्केट लीडर है बाटा इंडिया। देखो बाटा इंडिया या रिलैक्सो, किसी एक को चुन लेना, दोनों ही मार्केट लीडर हैं, दोनों के पास अच्छा बिजनेस है, दोनों ही साल दर साल आपको पैसा कमा के देने वाले हैं। बाटा की बात करते हैं, बाटा का जो मार्केट कैप है वो करीबन 23,000 करोड़ का है, शेयर भी ट्रेड कर रहा है 1824 रुपये पे। इसका जो हाई था अभी रिसेंटली 2260 रुपये का हाई था इसका, इसने पिछले एक साल में 26% के रिटर्न दिए हैं। ये वर्ल्ड की लीडिंग फुटवियर कंपनी है, 1894 से काम कर रही है, चेक रिपब्लिक में बनी थी ये कंपनी, फाउंडेड इन चेक रिपब्लिक। कंपनी इज वर्ल्ड्स लीडिंग शू मेकर बाय वॉल्यूम। इसके पिछले 5 साल में इसने 29% के रिटर्न दिए हैं। तो ये कंपनी ऐसी है जहां पे आप इन्वेस्ट करके, डिप में आए तो इन्वेस्ट करके रखिए पैसे को। ये बाटा इंडिया का चार्ट देख लेते हैं सर, ये लंबे समय तक इस ये वाली सपोर्ट है, इसको ब्रेक करता है तो 1670 या 1650 के आसपास हम इसको देख सकते हैं, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं 1/3 क्वांटिटी बाय करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पे आए वापस से इन केस, तो यहाँ पे भी रेडी रहना चाहिए आपको 1640-50 के आसपास बाय करने के लिए। नेक्स्ट होगा सर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये टाटा हाउस है, जो टाटा हाउस का बेहतरीन स्टॉक है, ऑलमोस्ट हर इंडियन के पोर्टफोलियो में होगा या होना चाहिए, सबका ड्रीम होगा ना ये ऐसे स्टॉक को रखना। अभी रिसेंटली 4,000 रुपये का हाई भी बनाया था इस स्टॉक ने, साल दर साल आपको बेहतरीन पैसा भी देता रहा है। लास्ट 1 ईयर 21%, लास्ट 3 ईयर 19%, लास्ट 5 ईयर 23%। सर 2 रुपये सैकड़े का ब्याज दे रहा, सर 2 रुपये सैकड़े की परसेंटेज से आपका पैसा बढ़ रहा है इस स्टॉक के अंदर। मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन, 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ह्यूज ह्यूज। तो मार्केट लीडर सस्ते मिल रहे हैं सर, तो पिक कीजिए, एक एक दो दो करके ही क्वांटिटी को एक्युमुलेट करते रहिए। जब भी अपॉर्चुनिटी आए, जब भी मार्केट में 5, 10, 15% की गिरावट आए, ऐसे स्टॉक्स को 1 या 2 क्वांटिटी में अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक्युमुलेट करते रहना चाहिए। TCS का जो चार्ट है वो दिखा देते हैं, ये TCS का चार्ट है, 3300 रुपये के आसपास, 3380 रुपये है, 3350 रुपये के आसपास सपोर्ट ले रहा है ये। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये 3100 रुपये के आसपास आपको मिल सकता है। इसीलिए मैं आपको 1/3 क्वांटिटी बाय करने के लिए कह रहा हूँ, इन केस अगर कोई पैनिक होता है, पैनिक सेलिंग आती है, तो पैनिक सेलिंग का आपको फ़ायदा उठाना है, आपको केवल क्वालिटी स्टॉक्स ही बाय करने हैं गिरावट में, जो ये क्वालिटी स्टॉक्स है यही बाय करने चाहिए आपको। नेक्स्ट स्टॉक है सर इस सीरीज में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एडेसिव एंड सीलेंट। तो ये इस फील्ड का चैंपियन है, राजा है, 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2300 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पिछले एक साल में 40% के रिटर्न दिए हैं, उससे भी ज़्यादा था ये, अगर पिछले 15 दिन का रिटर्न हटा दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा, 50% प्लस था। लास्ट के 3 साल में 27% के रिटर्न दिए हैं और लास्ट के 5 साल में 28% के रिटर्न दिए हैं। तो 2 रुपये सैकड़ा का जो ब्याज है ना जी, उससे अच्छा रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक। तो डेफिनेटली ये आपके और मेरे दोनों के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मेरे पोर्टफोलियो में है कुछ क्वांटिटी, तो आप इस पे विचार कीजिए। स्टॉक अपने 200 EMA के बिल्कुल ऊपर ट्रेड कर रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है ये 200 EMA, इसको ब्रेक करता है तो 2100 के आसपास चला जाएगा स्टॉक। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, आपको बाय करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, एक एक दो दो करके ही क्वांटिटी ऐड कर लो, इसमें कोई इशू नहीं है।
बट आपके पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक तो होगा। नेक्स्ट होगा सर पॉलीकैब, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ केबल्स एंड वायर्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स सच एज यूपीवीसी कंडक्ट एंड लंग्स एंड ग्लैंड्स। लंग्स एंड ग्लैंड्स वो चीज़ें हैं जो थिम्बल्स वगैरह जो कंपनी बनाती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बट उसके अंदर इसकी मोनोपोली है मार्केट में, लीडर है ये इस फील्ड का। इसके सेल्स मैनेजर से भी मेरी बात हुई थी जब मैं कभी इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी में कभी जॉब करता था, तो मेरी पॉलीकैब के जो सेल्स मैनेजर वगैरह आते थे मेरी डायरेक्ट इनसे बात होती थी। काफ़ी अच्छा कंपनी का व्यू है, काफ़ी अच्छी सोच है कंपनी की, कंपनी पैसा बना के देने वाली है। कंपनी का मार्केट कैप 34,000 के करीब है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%। करंटली इसका रेट अभी प्राइस है 2300 रुपये के आसपास, जो अपने 2700 रुपये के हाई के ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर अपॉर्चुनिटी है। लास्ट के एक साल में 24% का रिटर्न दिया है, 74, दैट इज़ ह्यूज। पिछले एक साल पहले ये करीबन 1100-1200 रुपये का स्टॉक था, तो ये अपॉर्चुनिटी है सर, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, हम सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये देखिए ये इसी रेंज के आसपास घूम रहा है, ये यहीं पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, अब चाहे तो इसको ये बॉक्स बना सकते हैं इस रेंज को। इस रेंज को तोड़ता है तो हमको ये स्टॉक यहाँ पे मिल सकता है 2000 रुपये के आसपास, तो अगर कोई पैनिक आता तो डेफिनेटली 2000 के पास भी बाय कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट होगा सर बजाज फिनेंस, बिजनेस ऑफ लेंडिंग, पैसा ब्याज पे देता है। जी देखो आपने ध्यान दिया होगा जितने भी ये बड़े बैंक्स हैं ना जो पैसा ब्याज पे देते हैं, खुद कोई प्रॉपर्टी नहीं ले खरीदते, सब लीज पे रहते हैं सारे, मोस्टली लोकेशन इसकी जहाँ पे भी शहरों में इनके बैंक्स होते हैं लीज पे होते हैं, और लोगों को सपना दिखाते हैं घर खरीदने का, घर खरीदो जी। तो ये भी एक कंसेप्ट है, खुद किराए पे रहना और लोगों को घर देना, घर के लिए पैसा देना, एक्चुअली में घर नहीं देते वो ब्याज पे पैसा देते हैं। 4,20,000 करोड़ की कंपनी है जी बजाज फाइनेंस, 6,900 का स्टॉक है, कभी 8,000 रुपये का इसका हाई था, पिछले 5 साल में 45% के रिटर्न दिए हैं, तो आइडिया लगाओ इसने कितना बेहतरीन पैसा बना के दिया है लोगों को। तो ये स्टॉक डेफिनेटली आप अपनी लिस्ट में बना के लिख लीजिए, बजाज फिनेंस एंड बजाज फिनसर्व, जब भी मौका आए तभी स्टॉक ऐड करके रख लीजिए, चाहे एक लीजिए स्टॉक, ये दोनों स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक हैं, डेफिनेटली हमारे सबके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ये बजाज फिनेंस का चार्ट है सर, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 6,6600 रुपये के आसपास, इसको ब्रेक करता है तो वी कैन सी 6,000, 6,200 तक की, 6,200 से 6,000 रुपये की रेंज हमको मिल सकती है। अगर संभव मिलती है तो डेफिनेटली इसको पिक करना है आपने, छोड़ना नहीं है। आज के वीडियो का फाइनल स्टॉक है सर एशियन पेंट, करीबन 3 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू है, 3,000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 3100 रुपये के आसपास, पिछले 5 साल में 25% के रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 30% के रिटर्न दिए हैं, प्राइस टू अर्निंग 98.7, 1942 में सेटअप हुई थी कंपनी और 1942 से देखो आज की इस पोजीशन पे पहुंच गई है कंपनी, 15 देशों में काम करती है, डेफिनेटली ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मार्केट का लीडर है इस सेक्टर में। इसका कंपेटिटर बर्जर पेंट है, आप बर्जर पेंट का भी स्टॉक ले सकते हैं, बेहतरीन स्टॉक्स हैं सर, बेहतरीन, ये 7 मार्केट लीडर स्टॉक्स हैं जो आपके
पोर्टफोलियो में होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टॉक्स आपको अच्छे लगे होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे के सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही मौजूद होंगे। फिर भी मैं कह रहा हूँ, पैनिक में कोई स्टॉक सेल नहीं करना है, बस ये स्टॉक्स क्वालिटी स्टॉक्स हैं बाय करना है। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे या जो मेरे क्लाइंट हैं, मैंने उनको अपनी जो लिस्ट है वो शेयर की थी कुछ दिन पहले, जो मेरे पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं। देखो, स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स अलग रहते हैं, पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं वो मैंने शेयर किए थे। तो वो लिस्ट टेलीग्राम चैनल से ढूंढ सकते हो आप वापस से, आपको वहीं पे मिल जाएगी। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है सर, मनी मंत्रा विद दीपक रोहिला। छोटी सी फैमिली है, 635 पीपल, तो वो आपको मिल जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ ये चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं, नेवर स्टॉप ट्राइंग, नेवर स्टॉप बिलीविंग, नेवर गिव अप, योर डे विल कम। तो मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ सर, और इसकी प्रैक्टिस करता हूँ रोज़, कि हमको गिव अप नहीं करना है, हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है हमको पैसा बनाने की, तो इसको ज़रूर आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अपने चैनल पर आपको वीडियो बेशक कम मिले, बट आपको हमेशा क्वालिटी कंटेंट ही मिलेगा, जहाँ पे आप रिलायबल होके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी मंत्रा। मनी मंत्रा पे बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि आप जहां भी रहें सकुशल मंगल रहें। जय हिंद, जय भारत।